दिनों मंडला जिले के ग्रामीण इलाकों में घोघों की संख्या अचानक बढ़ती दिख रही है और इन घोघों के द्वारा पेड़ पौधे सब्जियां और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस समस्या की जानकारी जैसे ही कृषि विज्ञान मंडला के वैज्ञानिकों को हुई, उन्होंने तत्काल अपने दल सहित मंडला विकासखंड के ग्राम सुकतरा में जाकर इन घोघों के बारे में बारीकी से जांच पड़ताल की। उन्होंने पाया कि घोघों के द्वारा फसलों, सब्जी और अन्य वनस्पति को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने जांच के दौरान पाया कि रात्रि के समय ये घोंघे फसलों में अधिक आक्रमण करते हैं। इस समय बेल वाली सब्जियों, लौकी, कद्दू, बरबटी, तुरैया, गिलकी एवं मक्का आदि कई फसलों की पत्तियों को ये खाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे फसलों की वृद्धि अवरुद्ध हो रही है। डॉक्टर विशाल मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि घोंघा या शंख एक प्रकार के बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं। इन जीवों को मोलस्क कहा जाता है। मोलस्क की 60,000 से अधिक किस्मों का अध्ययन अब तक किया जा चुका है। ये जीव शाकाहारी होते हैं, जो सभी प्रकार के पौधों जैसे घास, फसलों की पत्तियों का भोजन करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इनके निदान हेतु बताया गया कि नमक का घोल और बुझे हुए चूने के पानी और अन्य केमिकल का छिड़काव इनके ऊपर करने से इनकी रोकथाम की जा सकती है। न्यूज रूम टीवी के लिए मंडला से राम कुमार बघेल के साथ अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। लौकी के बेल खा रहे हैं कि सभी चीज़ें? अच्छा, सभी प्रकार की फसल को खा रहा है। तो ये पूरे गांव में समस्या है क्या? ये गाँव तो वो होता है घोल जाता है। ग्राम सुखरा विकास खंड मंडला के किसान भाइयों ने दूरभाष पे बताया कि वहाँ पर जो है स्नेल या शंख की समस्या है, जो काफ़ी विकराल रूप में चारों तरफ फैली हुई है, जिसके कारण उनकी जो भी सब्जी भाजी या और फसलें जो उन लोगों ने लगाई हुई है, रात्रि के समय में इस प्रकार के घोंघे या स्नेल जो है आक्रमण करते हैं और सारी पत्तियाँ उसकी चट कर जाते हैं। मैंने अपने सभी वैज्ञानिकों का दल बनाकर वहीं मौके का मुआयना किया और मौका का मुआयना कर श्री राकेश सैनी जी के फार्म में जाकर देखा और वहां पे ग्रामीणों से चर्चा की तो पाया कि वो घोंघे जो हैं काफ़ी मात्रा में फसलों को नष्ट कर रहे हैं। तो कि 2% नमक का घोल या 2% आपका चूने, बुझा हुआ चूने का पानी घोल बनाना है। इस प्रकार जो नैपसैक स्प्रेयर का 15 लीटर का होता है, उसमें 45 से 50 मिली लीटर आपका बुझे हुए चूने का पानी डालकर उन स्नेल या घोंघे के ऊपर स्प्रे करने से काफ़ी हद तक इनकी रोकथाम की जा सकती है।